ना आप लोग बोलते हैं कि मार्केट क्रेश हो गई, मार्केट को क्रेश नहीं हुई, हर बंदा अलहमदुल्ला अभी भी कमा रहा है। हम ये है कि हमने भाई कहीं घबराना नहीं है, घबराना नहीं है भाई। अभी तो न्यू फ्रेंचर के लिए ये है कि अभी माल मिल रहा कम रेट में, आप अगर कम रेट में लेके लगाएंगे तो आप जब लगाएंगे उसकी ब्रीड आएगी तो आप जब बेचेंगे तो उससे ज्यादा की हाँ फिशरी में निकालेगा, मिक्सचर ही निकालेगा, बुलेट भी निकालेगा, ग्रीन भी निकाल देगा, दोनों निकालेगा, जितने भी होंगे कन्फर्म डिलीट होंगे ये, और जो क्रिमिनो और बेगिनो होंगे वो सिंपल होंगे साथ में। जब हमने इनसे माशाल्लाह में पिछले 5 सालों तक हमारे तो हर साल बाहर ब्लू पेल फेलो है, ब्लू पेल फेलो है, ऑफलाइन है, सेलर ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आ गए हैं न्यू सेटअप पे, तो यहाँ की कवरेज करेंगे, देखेंगे यार कौन कौन सी ब्रीड्स रखी हुई हैं। तो हमजा भाई का सेटअप है, तो इन्हीं से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हमजा भाई आपके? शुक्र है, दुआएं चाहिए आपकी। तो आज हमारे व्यूवर्स को कौन कौन सी ब्रीड्स दिखा रहे हैं हम? आपके व्यूवर्स को दिखा देंगे माशाल्लाह, ब्लू टू की वर्किंग ज़्यादा लगाई थी हमने माशाल्लाह, जो ब्लू टू का उस पर वर्क करा था अच्छा था, इस वजह से मार्केट में भी आपको दिखा रहे होते हैं ब्लू टू दिखा रहे होते हैं, भले सस्ते में देखे तो देख देते हैं ब्लू टू वगैरह। बाकी ये इंशाल्लाह चलो भी दिखा देंगे आपको, क्रिमिनो अल्बिनो डेजिनो और फिचरी जो है लोटिनो फिचरी सारे आइटम दिखा देंगे, दिखा देंगे। और फिचरी हमने खरीदी हुई थी महंगे महंगे रेट पर, वो भी आपको दिखा देंगे, मसलन ये अच्छी क्वालिटी की अच्छे साइज की। तो स्टार्ट करें। हमजा भाई कितना टाइम हो गया आपको सेटअप लगाया हुआ? सेटअप तो मैंने तकरीबन लगाया था लगभग 2019 के अंदर काम स्टार्ट करा था, 2019 से काम स्टार्ट करा था। तो उसके बाद ये है कि माशाल्लाह अच्छा खासा सेटअप था, काफ़ी बढ़ा लिया था काम, तो अल्लाह का शुक्र है अभी भी सेटअप बहुत अच्छा चल रहा है। ये है कि मार्केट जो ना आप लोग बोलते हैं कि मार्केट क्रेश हो गई, मार्केट कोई क्रेश नहीं हुई, हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कमा रहा है। हम ये है कि हमने भाई क्वान्टिटी में माल बेचा तो कमाया, पहले ये होता था कि अच्छी कुछ चीज़ रखते थे, एक पीस बेचते थे सारा पैसा बाहर था, अब ये कि ज़्यादा पीस बेचने पड़ते हैं पैसा बाहर हो जाता है, पैसा अल्हम्दुलिल्लाह बाहर है अभी भी, हम भी कमा रहे हैं और न्यू फेंचर जो कमा जो लगा रहा है वो भी कमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं है कि नहीं कमा रहा कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह, उस मालिक का एहसान है करम है अल्लाह पाक का, जब से सेटअप लगाया परेशानी नहीं हुई, हर दौर में कमाया, अभी मार्केट क्रिएट हुई अभी भी माशाल्लाह से हमने कमाया, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाया, और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम इस काम से कमाएंगे, शौक भी है और माशाल्लाह से कमा भी है, दोनों काम है। न्यू फ्रेंचर का यही पैगाम है भाई, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है भाई। अभी तो न्यू फ्रेंचर के लिए ये है कि अभी माल मिल रहा कम रेट में, आप अगर कम रेट में लेके लगाएंगे तो आप जब लगाएंगे उसकी ब्रीड आएगी तो आप जब बेचेंगे तो उससे ज्यादा की बेचेंगे, आपने 10,000 का पियर लिया है ना क्रिमिनो का और अल्बिनो का, तो आपके पास 3 कलर्स भी आ गए 30,000 रुपए बाहर है आपके, आपने उसको मिसाल के तौर पर सब कुछ खिला पिला के भी 10,000 बचेंगे ना, शौक का शौक है और जो ना बर्ड का बेचना एक अलग है, ये यानी कि शौक भी हो रहा है और बिजनेस भी हो रहा है, और जिन सब लोगों का काम ये है कि भाई कम चीज़ें लगाएं और ज़्यादा पैसा कमाएं, आप ये है कि टेंशन नहीं लें किसी चीज़ की, पियर लगाएं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी, तो अभी ये है कि रेट ज़रा कम हुए हैं, इंशाल्लाह ताला साल डेढ़ साल बाद रेट बढ़ेंगे, ज़्यादा होंगे क्रिमिनो के भी बढ़ेंगे, हर चीज़ के बढ़ेंगे, पहले नहीं तो 2020 के अंदर अल्बिनो के रेट कम हो गए थे कुछ कुरम, और अल्बिनो अभी भी भाई ये है कि हम हमारे अल्बिनो से माशाल्लाह तो अच्छे रेट चल रहे हैं, अभी हमारे तो रेट सही है माशाल्लाह से, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। सही है। अच्छा सेटअप देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सेटअप लग रहा है, एक रूम के अंदर बनाया हुआ है भाई ने, बाकी आगे बाहर भी कॉलोनी है, बाहर वाली कॉलोनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, लेकिन बाहर वाली कॉलोनी दिन के अंदर अच्छी बनती है उसकी वीडियो, असल में बाहर वाली कॉलोनी के अंदर लाइट नहीं है माशाल्लाह, 20 ईयर मैंने बाहर वाली कॉलोनी के अंदर छोड़ा है, फिशरियाँ हैं उसके अंदर, दो जो ना क्रिमिनल है उसके अंदर, बाकी ऑफलाइन की वर्किंग है सारी आला क्वालिटी की फिशरी डाली हुई है, क्योंकि पहले 14 ईयर के लिए डाली हुई थी, अब ये कि माशाल्लाह रेट कम हो गए तो कोई मसला नहीं है, अब क्वान्टिटी में इंशाल्लाह अलग ग्रेड करेंगे कॉलोनी के अंदर, तो ये सही वो एंड में कोशिश करेंगे व्यूअर्स को दिखा, हाँ कोशिश कर लेंगे इंशाल्लाह, मतलब 2-3 मोबाइलों की लाइट जलाई देंगे मसला नहीं, आप बनवा देंगे वीडियो। चले आज हमारे व्यूअर्स को कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से ब्रीड दिखा रहे हैं सबसे पहले? दिखा देते हैं आपको, ये लगा हुआ है ब्लू फिशरी है, कन्फर्म ब्लू टू है, ब्लू टू है, स्प्लिडिनो है, मेल है, अच्छा मेल है, हाँ सही है, ये मैंने क्रिमिनो के साथ लगाया हुआ था, अभी मैंने इसको खाली छोड़ा हुआ है, न्यू पेयरिंग सेट करेंगे इंशाल्लाह ताला इसकी ना, जी तो ये आप साइज देख लें माशाल्लाह से, इसका क्वालिटी देख लें, हेल्थ वगैरह देख लें, फ्लाइंग देख लें इसकी माशाल्लाह से,
बर्ड्स की अलग ही बता रहा है साइज वगैरह ना ये। अच्छा ये फोर सेल? नहीं फोर सेल नहीं है। अच्छा तो ये नीचे आ जाते हैं अनस भाई, ये है पोलिट फिशरी लिडिनो और ये है क्या नाम है लोटिनो फिशरी। लोटिनो फिशरी हाँ सही है भाई। ये पीआर लगा हुआ है हमारा माशाल्लाह से। अच्छा ये कौन से बच्चे निकालेगा? दोनों निकालेगा? ये दोनों निकालेगा और इसमें से अल्बिनो के आने के भी चांसेस हैं। अल्बिनो के भी आने के चांसेस सही है क्योंकि वो भी स्लिड है, वो भी वॉलेट वाला स्लिडिनो है और वो तो इनो ही सही है। वॉलेट वाला वो क्या नाम है लोटिनो वाला तो इनो ही है। और क्या दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स? अच्छा ये फोर सेल है? फोर सेल नहीं, नहीं है सही। बाकी ये अल्बिनो का पेयर? ये अल्बिनो है सही है। अल्बिनो लगा हुआ है रेड आई के अंदर, दूसरा लगा हुआ है क्या नाम है स्प्लिट के अंदर। स्प्लिट के अंदर सही है भैया। ये भी माशाल्लाह था मेरा बहुत वीआईपी प्यार है, बहुत अच्छी जो है ना ब्रीडिंग करता है माशाल्लाह से सही है। इसका साइज़ वगैरह देख लें, इसके नीचे आ जाएं आप, इसके नीचे आ जाएं। ये वर्किंग है ब्लू टू की। ब्लू टू की हाँ सही है भैया। ये देखें किरमिनों की लगी हुई है फीमेल सही है। और ये जो मेल लगा हुआ है ये है ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट ऑफ लाइन। अच्छा हाँ भाई सही है। इसके अंदर से माशाल्लाह से क्रिमिनो ऑफ लाइन की वर्किंग कर मेरा जो आएंगे बच्चे वो आएंगे माशाल्लाह से। ब्रीडर भी है हाँ माशाल्लाह से। ये इसका जो मैंने आपको दिखाया था ना मेल, वो ऊपर जो समय पहले दिखाया था वो इसका मेल था। मैंने अभी इसको वर्किंग को तोड़ा तो ये माशाल्लाह से सेट होगा, ब्रीड रहे हैं माशाल्लाह से साथ में। सही सही ये फोर सेल तो नहीं है? नहीं नहीं फोर सेल नहीं है। फोर सेल वाले में भी आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। फोर सेल वाले आ जाए लोटिनो का भी आ रहा है, मेरा फोस्टर भी आ रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे बच्चे पालता है मेरे सही है। साइज़ वगैरह देखें, इनकी हेल्थ देखें माशाल्लाह से, मास्किंग इनकी बिल्कुल क्लियर है। और नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ये पोलिट फिशरी है सही है और ग्रीन फिशर है, ग्रीन फिशरी है तकरीबन माशाल्लाह से। ये भी मेरा फोस्टर भी आ रहा है। ये जो बच्चे निकालेंगे कौन कौन से निकालेंगे? अनस भाई ये हाँ फिशरी में निकालेगा, मिक्सचर ही निकालेगा। अच्छा हाँ बुलेट भी निकालेगा, ग्रीन भी निकाल देगा, दोनों निकालेगा। सही सही वैसे तो इससे मैं पोस्टिंग करवाता हूँ लेकिन इसके भी बच्चे आ जाते हैं माशाल्लाह से कुछ दोनों का। हाँ ये मैं बस सेट करना चाह रहा हूँ इसको, लेकिन अभी किसी का सेट नहीं हो रहा। ये जो फिशरी है और स्प्लिट इनो के अंदर है ये मेरे पास ना, स्प्लिट इनो के अंदर हाँ सेट नहीं हो रही है माशाल्लाह की, हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद इसको कॉलोनी में डालूंगा अभी कुछ टाइम बाद ना, तो इंशाल्लाह ताला अच्छी हो जाएगी सेट हो जाएगी इसी के साथ। उसके बाद क्या दिखा? नीचे आ जाते हैं, ये लगा हुआ अल्बिनो का, अल्बिनो का सही। ये कंफर्म ब्लू टू है। कंफर्म ब्लू टू हाँ, वो वाला कंफर्म ब्लू टू है, ऊपर वाला जो है जो नीचे वाला है वो इनो के अंदर है, स्प्लिट इनो के अंदर है, स्प्लिट है। ये ब्लैक है लेकिन स्प्लिट है सही है। तो ब्लू टू की मैं आपको बोल रहा था ना वर्किंग माशाल्लाह से, ब्लू टू की वर्किंग इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लू टू के प्यार मेरे पास ज़्यादा लगे। वाह भाई इंशाल्लाह सही सही है सही। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अभी सेट कर रहा हूँ मैं न्यू पेयरिंग वगैरह, अब यहाँ आ जाते हैं। ये कौन सा पेयर लगा है? अल्बिनो। अल्बिनो के साथ ये अल्बिनो सादा है और वो ब्लू टू है कन्फर्म। ब्लू टू कन्फर्म हाँ, स्प्लिट इनो के अंदर। अच्छा कन्फर्म स्प्लिट और कन्फर्म ब्लू टू सही सही है। और इसके साथ है अल्बिनो ब्लू टू की वर्किंग का पीस है इंशाल्लाह वाला। इसमें से सारे बच्चे आएंगे, इसमें से बच्चे आएंगे, किरमिनो भी आएंगे और अल्बिनो भी आएंगे और डेगिनो भी आएंगे और अल्बिनो रेडाइज भी आएगा। अल्बिनो जितने भी होंगे कंफर्म ब्लू टू होंगे वो सही है, और जो किरमिनो और डेगिनो होंगे वो सिंपल होंगे साथ। सही है नीचे आ जाते हैं, ये तीनों माशाल्लाह से ब्लू टू हैं। हाँ माशाल्लाह का मेरे हाँ तीनों ब्लू टू है मेरा माशाल्लाह से। इनको ये कि मैंने डाला है अभी सेट करने के लिए कुछ, इसमें से मैं चाह रहा हूँ कि दोनों पीयर जो ना सेट हो जाए किसी के साथ। बाकी कुछ बर्ड मेरे अभी रखे हैं ना कॉलोनी के अंदर ना, उसमें से निकाल के मैंने सेट करना है इनको किसी ना किसी के साथ सही है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, नीचे लगा हुआ है किरमिनो और अल्बिनो हाँ सही सही है भैया। ये भी तकरीबन ये ब्लू टू है मेरा जो अल्बिनो। अच्छा ब्लू टू हाँ कन्फर्म ब्लू टू है सही। और ये किरमिनो लगा हुआ है मेरे पास, स्लिडिनो के अंदर है अल्बिनो ना। अच्छा हाँ सही 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 ये भैया। अच्छा इससे नीचे आ जाते हैं, वो नहीं दिखाना दूसरी चीज़,
ये कौन सा प्लेयर दिख रहा है? ये है ऑफलाइन के अंदर, ऑफलाइन के अंदर ब्लू ऑफलाइन है और ग्रीन ऑफलाइन है। सही 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 है भैया, ये ऑफलाइन के हमने भी प्लेयर रखा हुआ है माशाल्लाह से, ये बड़े महंगे महंगे खरीदे थे। अच्छा हाँ, बस ये समझ लें आप ऑफलाइन के, आपको पता है मार्केट आज से आप दो साल पहले की अगर कोई न्यू फेंचर वीडियो भी निकाल के देगा तो 70,000 75,000 80,000 40,000 60,000 ऐसे ऑफलाइन के रेट थे ब्लू ऑफलाइन के। अब तो 3,000 रुपये में बिक रहा है बुलेट ऑफलाइन ब्लू ऑफलाइन। ये कौन से बच्चे निकालेगा? ये ऑफलाइन ही निकालेगा, हाँ कंफर्म ऑफलाइन ही निकालेगा। मास्क अच्छी मास्किंग के अंदर, अच्छे साइज के अंदर मास्क लगा। अच्छा ये फोर सेल नहीं है, आपने अपने लिए लगाया? आपने लिए लगाया मैं, माशाल्लाह था हमारा शौक है, हमें खत्म थोड़ी करना सेट अप। लोग बेचारे परेशान हुए हैं, हमारे पिछले साथ के दो चार परेशान हुए हैं, बोले हम अहमदा भाई माल बिकवा दो, सेट अप खत्म कर रहे हैं, हम दाना महंगा हो रहा है, ये हो रहा है। भाई दाना अगर हमें जेब से भी खिलाना पड़े ना तो हम जेब से खिलाएंगे। जब हमने इनसे माशाल्लाह से पिछले 5 सालों से कमा रहे हैं, तो अगर साल डेढ़ साल हमने इनको बिठा के भी खिला दिए तो कोई मसला थोड़ी है हमारे। शौक कर रहे हैं तो क्या करें, हाथी पाला के दरवाजे तो बड़े करवाने पड़े। वाली मिसाल है। सही है, ये आ गए बुलेट फिशरी। सही है, और ये अलवीरो ब्लू टू है मेरे पास। अच्छा ब्लू टू, हाँ माशाल्लाह सही सही है। ज्यादातर ब्लूटूथ रखे, ज्यादातर मेरे पास ब्लूटूथ की वर्किंग, मैंने जब अच्छे रेट है ना तो मैंने ब्लूटूथ की वर्किंग अच्छी करी हुई थी। और ब्लूटूथ आपको पता है, आप अगर वीडियो निकाल के देखें लोगों के उस टाइम पे 80,000 रुपए रेट, 80,000 70,000 रुपए लाख लाख का चल रहा था ब्लूटूथ। 2000 आप तकरीबन 20 के अंदर देख लें, क्यों कि ब्लूटूथ की वर्किंग से क्रिमिनल बनता था तो हर बंदा ब्लूटूथ के पीछे भाग रहा था। तो जब भी हमने ब्लूटूथ लगा के तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूटूथ से हम आज भी कमा रहे हैं माशाल्लाह। ये फिशरी है, सही है, ये सिंपल वॉलेट है और वो फिश ग्रीन फिशर है। अच्छा ग्रीन फिशर है, हाँ। तो ये कौन से निकालेगा? ये नॉर्मली फिशरी निकालेगा, जैसे है ग्रीन फिशर निकाल देगा और जो ना वॉलेट निकाल देगा। अच्छा अच्छा, ब्लू फिशरी निकाल देगा। सही है, ये नीचे आ जाए, ये पार ब्लू का मेरे पास मेल है ना, इस तरह वाला वो, हाँ इस तरह वाला, ये सिंगल मेल है, मैंने अभी थोड़ा सा स्प्लिट इनो के अंदर है। अच्छा सही है, इसको थोड़ा सा इसको सेट करना है माशाल्लाह से, किसी के बाद इसकी मैंने जो उसके साथ का दूसरा पीस था वो मैंने डाला भी कहीं और सेट करने के लिए, अल्बिनो डाला हुआ था वो भी ब्लू टू का, तो मैंने उसको कहीं और डाला उसको। अब ये कि इंशाल्लाह ताला वो सेट हो गया, इसको भी किसी और के साथ सेट करेंगे। ये आ जाए ग्रीन फिशर है, ग्रीन फिशरी है तकरीबन, और वो है क्या नाम है पार ब्लू स्प्लिट इनो के अंदर है। ये भी नॉर्मली बच्चा निकालेगा अपने तरीके से, हाँ। ये भी मेरा फोस्टर प्यार है, ये मेरा माशाल्लाह से फोस्टर प्यार है पूरा ना। सही, सही। इसके नीचे कुछ भी एक है, ये रेस्ट करा मेरा खोला हुआ ना, ये पार ब्लू स्प्लिट इनो के अंदर और ग्रीन फिशर है, ये भी मैंने पोस्टर के लिए लगाया हुआ अपना प्यार ना। सही सही सही, अब आ जाएगा माशाल्लाह से, ये है तकरीबन अल्बिनो ब्लू टू है, रेड आई के अंदर है, और ये क्रिमिनो और डेगिनो लगा हुआ है। डेगिनो लगा, हाँ। अच्छा तो ये क्या है, फोर सेल है? नहीं नहीं फोर सेल नहीं है, फोर सेल वाले मैं भी आपको दिखाता हूँ, सारे मेरे ब्रीडर प्लेयर हैं माशाल्लाह। अच्छा ये कौन कौन से बच्चे हैं? दोनों निकालेगा, अल्बिनो और अल्बिनो भी निकालेगा, ये क्रिमिनो भी निकालेगा, और क्या नाम है अल्बिनो रेड आईज भी निकालेगा। मेरे पास चार किस्म के बच्चे निकाले। अच्छा ये नीचे आ जाते हैं, ये देख लें, ये एक क्या नाम है तीन जो इसके अंदर डले हुए, ये ब्लू टू है मेरे पास। अच्छा तीन जो ब्लू टू, हाँ माशाल्लाह से। ये एक डला हुआ है पेस्टल इनो का पीस है ये मेरे पास, ये भी स्प्लिट इनो है। अच्छा हाँ, ये भी अपने लिए रखे हैं? ये भी अपने लिए रखे हैं, कॉलोनी में छोड़े हैं, किसी के साथ सेट हो जाए ये इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। और क्या दिखा रहे हैं हमारे? अब आप नीचे आ जाए, नीचे मेरे पास वही फिशरी आप लगी है, ये पोस्टर भी आ रहा है मेरे, वॉलेट फिशरी और ब्लू फिशरी। अच्छा ब्लू फिशरी, हाँ सही है। उसके बाद दूसरे में आ जाते हैं ग्रीन फिशर वॉलेट फिशरी, सही सही है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे भी रहें, नीचे भी हुई है, नीचे भी हुई है, हाँ ये भी वॉलेट फिशरी और दूसरा बार कौन सा है तकरीबन, वो भी फिशरीज है मेरे पास, फिशरीज है, हाँ सही 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 है। ये अपने नहीं रखे हैं? हाँ ये सारे मेरे पोस्टर भी आ रहे हैं, पोस्टर भी, हाँ ये ब्लू फिशरी और क्या नाम है पार ब्लू फिशरी, पार ब्लू फिशरी सही है ना। सही, अब दूसरे आ जाते हैं केस पे, और क्या दिखा रहे हैं?
आ जाएंगे देखें, ये है ब्लू अल्बिनो ब्लू टू और वॉलेट वो क्या नाम है लोटिनो का पीस। अच्छा ये कौन कौन से बच्चे हैं? ये भी ब्लू टू की वर्किंग के पीस निकालेगा सारे माशाल्लाह। अच्छा हाँ वाह, नीचे आ जाते हैं, ये लगा हुआ किरमिनो और अल्बिनो, सही है ना भाई? ये भी इंशाल्लाह ताला ब्लू टू की वर्किंग के पीस है सारे मेरे, वो अल्बिनो ब्लू टू है। अच्छा सही है माशाल्लाह, सही है, सारे ब्लू टू की वर्किंग के पीस निकाले हैं। सब ब्लू टू की वर्किंग के निकाले हैं। हाँ, जो ब्लू टू माशाल्लाह से हमने उस टाइम पे जमा करे हुए थे कि अच्छे रेटों में निकल रहा है, लेकिन ये है कि उस रेट में तो नहीं निकल रहे, लेकिन माशाल्लाह से अभी भी बहुत अच्छे रेट में निकल रहे हैं। ये भी ब्लू टू है। हाँ ये भी ब्लू टू है, अल्बिनो रेड आइज में और लोटिनो फिशरी। और क्या दिखा रहे हैं? और इसके नीचे आ जाए आप, किरमिनो दिखा रहे हैं आपको, ये ये किरमिनो है और दूसरा अल्बिनो है रेड आइज स्प्लिटिनो के अंदर। सही है, ये भी ब्लू टू है। अच्छा ब्लू टू है। हाँ माशाल्लाह। अच्छा कोई ऐसी पेयरिंग बताएं जो क्या नाम है सस्ते पेयर से कोई महंगे पेयर बना सकें, कौन सी पेयरिंग सस्ते पेयर से महंगे पेयर बना सकें? ठीक है, वर्किंग है तो बहुत सारी हैं, अभी आपको दिखाते हैं इंटरेस्टिंग वर्किंग जो है नई इंशाल्लाह वाला। सही, अभी तो आपको पता है कमर्शियल आइटम है, लोग बेचने वाले बेचारे क्रिमिनल भी बेच रहे हैं, 5-5 हज़ार में भी बेच रहे हैं, लेकिन वो वही है अनंत भाई, लेने वाले न्यू फ्रेंचर के लिए मैं बता दूँ कि क्या होता है कि कल जो ना मटकी से निकला हुआ बच्चा होता है तो जो है ना 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने का पीस होता है, मार्केट में ले आते हैं, बाल वगैरह पूरा होता है, न्यू फ्रेंचर वो खरीद लेता है। अब न्यू फ्रेंचर को नहीं पता इतना कि उसमें कब बॉक्स लगाना है, अब आप उसको अगर मिसाल के तौर पर आप अभी ख़रीदते हैं तो समझ लें आपको पूरे 1 साल तक उसको बिठाना है, तैयार करना पड़ता है। अब न्यू फ्रेंचर क्या बोलता है, भाई हमने ख़रीदा मार घर लेके गए, बॉक्स लगा दिया अगस्त में सितंबर में, ब्रीड ही नहीं आ रही। ब्रीड कैसे आएगी? एक चीज़ जब छोटी है बच्चा है तो ब्रीड ना करेगा, बस तकरीबन 10 महीने का हो 11 महीने का हो फिर ब्रीड करता। अब आप वो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ भी जो है ना ख़राब है या नहीं है, वो बिल्कुल सही चीज़ है, लेकिन आप उसको अपने पास रखें घर के ऊपर, जब आप उसको अपने 1 साल घर के ऊपर रखेंगे तो इंशाल्लाह वो अगले साल आपको ऐसी अच्छी ब्रीड करके देगा कि आपकी सोच है क्यों, वो बिल्कुल तैयार हुआ होगा, बिल्कुल वो इसकी एज पूरी होगी माशाल्लाह, अगले साल आप उसके अंदर अगस्त सितंबर में बॉक्स लगाने आपके पास भी आएगी ब्रीड आएगी। लेकिन क्या इसके घरों में बड़े जो अच्छे दाने जो होते हैं हमारे, यानी कि 10-10 महीने के 8-8 महीने के पीछे उनके भी रेट गंदे हुए होते हैं मार्केट में, हम लेके जाते हैं लोग बोलते हैं 5-5 हज़ार में मिल रहा है, 6-6 हज़ार में मिल रहा है, अलहमदिल्ला मैंने अभी भी 10-10 हज़ार रुपये किरमिनो बेचे हैं, अलहमदिल्ला अच्छे साइज़ों के अंदर होते हैं, 8-8 महीने के पीछे होते हैं मैंने बेचे, और मैंने अभी भी जितनी वीडियो मार्केट में बनवाई है 10 हज़ार तक कम की किसी की भी नहीं बनवाई, 10 हज़ार के मैंने हिसाब से वीडियो बनवाई है और 10 हज़ार के हिसाब से ही बेचे हैं मैंने माशाल्लाह। सही है, ये आपको दिखा देते हैं नीचे, तीन पीस यूँ छोड़े हैं इसमें, जो अल्बिनो है ये इनो के अंदर है, स्प्लिट इनो के अंदर है, ये ब्लू टू है, ये ब्लू फिशरी है, ये भी जो है ना कन्फर्म ब्लू टू है, और अल्बिनो वाला भी कन्फर्म ब्लू टू है, ये किरमिनो है, सही है, ये किरमिनो के साथ छोड़ा हुआ है कि किसी के साथ सेट हो जाए, लेकिन ये अभी सेट नहीं हो रहे, हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अभी छोड़े एक दो दिन पहले ही ना, तो ये इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएंगे माशाल्लाह। अच्छा जी ये आ जाए आप, जो आपको मैं बोल रहा था ना न्यू वर्किंग आप बोल रहे थे, ये है ब्लू ऑफलाइन स्प्लिटिनो, ब्लू ऑफलाइन स्प्लिटिनो। अच्छा, और ये ब्लू टू की ब्लू अल्बिनो ब्लू टू। अच्छा सही है, इसके अंदर माशाल्लाह से जो बच्चे आएंगे वो हमारे आएंगे किरमिनो और डेगिनो, तीसरा कोई बच्चा आएगा ही नहीं माशाल्लाह, किरमिनो डेगिनो बस, किरमिनो डेगिनो, डेगिनो भी जो आएंगे वो ऑफलाइन के अंदर होंगे, क्योंकि ब्लू ऑफलाइन है सही है, और स्प्लिटिनो है और ब्लू ऑफलाइन। हाँ सही, कितने तक का पेयर बन जाए? ये तकरीबन अगर आप लगाएं अल्बिनो 20 हज़ार रुपये का है ब्लू टू, और वो तकरीबन आप लगा लें 10 हज़ार रुपये का, वो लगा लें 30 हज़ार रुपये का पड़ेगा, लेकिन ये आपको डेगिनो और ऑफलाइन के बच्चे निकाल के देगा, किरमिनो ऑफलाइन और डेगिनो ऑफलाइन। सही है, इसके अलावा ये है माशाल्लाह से मेरा पार ब्लू पेल्फेलो की फीमेल है, पार ब्लू पेल्फेलो ऑफलाइन की फीमेल है, सही है, वॉलेट ऑफलाइन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल्फेलो का मेल है। सही है, मेरा ब्रीडर प्यार है माशाल्लाह से, ब्रीडर भी है। हाँ ये बहुत आउटस्टैंडिंग प्यार है मेरा माशाल्लाह से,
ये फोर सेल का नहीं है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे बच्चे देता है और बहुत अच्छे पालता है माशाल्लाह से। मेरे पास जो ना पहले फेलो की वर्किंग और भी थी, मैंने माशाल्लाह सेल कर दिया ब्रीडर चेयर से दो तीन ना, तो मैंने सेल कर दिया माशाल्लाह से। भाई ये एक रोका हुआ है माशाल्लाह से अपने लिए, सही है। अच्छा जी, अब आ जाए आपको मैं दिखा दूँ फोर सेल वाले। आप बोल रहे थे ना भाई फोर सेल वाले ही है ये, मुझे फोर सेल वाले हैं नहीं, बस ये मैंने आपने बोला मेरे को फोर सेल, तो ये मैंने अपने लिए सारे स्प्लिट डीनो के अंदर है, सही है। इसमें कोई ब्लू डू नहीं है, अल्बिनो भी डले हुए हैं जो ना अल्बिनो रेड आई जो अल्बिनो ब्लैक आई जो है वो स्प्लिट डीनो के अंदर है, फिशरीज है ये भी सारे स्प्लिट डीनो के अंदर है सारा माल है, सही है। इसमें कोई भी जो ना रेड आई बच्चा तो है लेकिन कन्फर्म स्प्लिट डीनो। इसमें जो आपका कोई व्यूअर्स मांगेगा तो इंशाल्लाह ताला उसको दे देंगे पीआर बना के, सही है। वगैरह की है डिमांड वगैरह इसकी कर देंगे आपके व्यूअर्स के हिसाब से 2500 रुपये पर पीस कर देंगे। 2500 रुपये पर पीस? 2500 रुपये पर पीस स्प्लिट डीनो वाला। इसमें एक दो अल्बिनो रखे हैं, उसके रेट ज्यादा ही होंगे आपको पता, जो अल्बिनो चल रहा है मार्केट रेट से ये आपके व्यूअर्स के हिसाब से कमी लगा देंगे। सही। और दूसरे जो दिख रहे हैं फिशर और वो ये 2500 रुपये लगा देंगे उसके, क्योंकि फिशरीज है उसके अंदर और फिशर जो है वो कन्फर्म स्प्लिट डीनो के अंदर है। सही। ये नीचे आ जाए माशाल्लाह से पेल फेलो की वर्किंग के पीस है, सारे स्प्लिट पेल फेलो है ऑफलाइन के अंदर है, पार ब्लू के अंदर है, माशाल्लाह से 5 पीस हैं। बाकी तो मैंने सारे सेल कर दिए, ब्रीडर भी और कुछ सेल करे, ये 2000 भी मांग रहे थे और फिर जो है ना कुछ नीट के नोटों की, तो इसका ऐसे मैंने सेल कर दिया था, वरना लगाने का था माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह ताला आपके अगर मार्केट अच्छी रहती स्टेबल रहती तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं अपने सेटअप पर डन पेलो भी दिखाता माशाल्लाह। हाँ, कोशिश तो यही थी, माइंड भी यही था और माशाल्लाह से बातचीत भी चल रही थी, बस वो ये नसीब नसीब की बात है। सही बात। बाकी ये इंशाल्लाह ताला मार्केट अगर अच्छी रही और कमाया तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे, डन पेलो भी दिखाएंगे सब पर। ये फोर सेल है? ये फोर सेल है। अच्छा, ये फोर सेल है। क्या प्राइस है इसके? प्राइस आपके व्यूअर्स के हिसाब से लगा देंगे तकरीबन 12000 रुपये। 12000 रुपये पेयर? हाँ नहीं, पर पीस। पर पीस यार तो बहुत ज्यादा रेट नीचे जाएंगे, डिमांड के चक्कर में चले आएगा। ये पेल फेलो है, पार ब्लू पेल फेलो है, ब्लू पेल फेलो है, ऑफलाइन है इसके अंदर, सही है। अच्छा, इसके बाद आप नीचे आ जाए, ये भी माशाल्लाह से मेरे पट्टे निकले ना सारे ना, लेकिन ये एंड के उसके थे तकरीबन मेरे फरवरी के अंदर निकले हुए थे मेरे ना, फरवरी के अंदर मैंने आखिरी कलश लिया था, उसके बाद में लिया था, तो ये थोड़ा साइज वगैरह में छोड़ दिया माशाल्लाह से, पट्टे मैंने कॉलोनी में छोड़े हैं। ये इनकी एज होगी तकरीबन, इसमें भी आज तो मुख्तलिफ एज के हैं, कोई 4 मंथ का है, कोई 5 मंथ का है, कोई 6 मंथ का है। सही। तो ये है, कोई भाई अगर बोलेगा आपका व्यूअर्स तो ये इंशाल्लाह ताला उसको दे देंगे, कोई मसला नहीं है। सही है। और सेल कर देंगे। वैसे ये है कि हमने अपने लिए रोके, वही बात है कि अगले साल इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे, सारे आउटस्टैंडिंग ब्रीड करेंगे, तो उनकी एज भी ज़्यादा होगी, तकरीबन 14 महीने एज हो जाएगी इनकी। सही। इसमें एक किरमिनो डला हुआ है, एक डेगिनो डला हुआ है, एक पार्बल स्प्लिटिनो डला हुआ है, एक वोलेट फिशरी डली हुई है इनो के अंदर, सही है। ये फोर सेल है? ये फोर सेल नहीं है, फिर भी आपके व्यूअर्स के साथ अगर कोई व्यूअर करेगा कॉन्टेक्ट तो इंशाल्लाह ताला दे देंगे उसको, विषय अपने लिए रुके हुए थे, अगर आपका व्यूअर कोई कॉन्टेक्ट करेगा तो इंशाल्लाह ताला उसको दे देंगे। डिमांड वगैरह? डिमांड इसकी वही है, नॉर्मली कर देंगे पार्बल स्प्लिटिनो की 3000 रुपये, किरमिनो की कर देंगे 10000 रुपये, डेगिनो की कर देंगे 8000 रुपये, फिशरीज की कर देंगे 3000 रुपये। ये ब्रीड सकी हुई थी आपने? क्या ये ब्रीड सकी हुई थी आपने? हाँ, ये मैंने माशाल्लाह सारे मैंने जो ना ब्रीडर दिया था, ये हमारा सेटअप था, क्योंकि वीडियोस के अंदर माल माशाल्लाह का इतना लेकर आते थे, अल्बिनो वगैरह भी लेकर आते थे, तो ब्लू टू की वर्किंग के पीस लेकर आते थे, लोग समझते थे कि हम ग्रो कर रहे हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रो कर रही है, मैंने वीडियो के अंदर एक जो अपने भाइयों को बोला था कि यार मैं जो है ना क्या नाम है, एक दिन इंशाल्लाह ताला अपने सेटअप की वीडियो बनाऊंगा और ये बात जरूर बोलूंगा कि भाई मेरा अपना आपकी सेटअप है, हम ग्रो करनी है, कहीं से माल नहीं उठाते, अल्हम्दुलिल्लाह सारा अपना माल होता। आपको मैंने दिखाया जो ना ब्लूटूथ की वर्किंग के पीस कितने लगे हैं माशाल्लाह से, तो इस वजह से ब्लूटूथ की वर्किंग के पीस ज़्यादा होते हैं। बाकी ये न्यू फ्रेंचर के लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, मार्केट रेट अभी कम है, आप भले 10 जगह पर जाकर विजिट करें, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है वो आप उठा के लगाएं अपने पास, क्योंकि न्यू फ्रेंचर ज़्यादातर घबरा है भाई कि यार मार्केट क्रेश हुई है, और फिर कुछ बड़े लोग भी ये बात बोल रहे हैं कि भाई मार्केट क्रेश हुई है, कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ लोगों के वीडियोस के अंदर भी, टिकटॉक के ऊपर भी, कि भाई व्यूअर्स बढ़ गया ये वो, कुछ भी नहीं हुआ,
आप बेफिक्र होकर लगाए अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट करें, वही आप कॉमन लोटिनो से स्टार्ट करें। आप ये सोचें कॉमन लोटिनो का भी यार अभी 2500 का चल रहा है, 2500 का, 2200 का, अलग अलग रेट का चल रहा है, आप उससे स्टार्ट करें पहले। आपको ये तजर्बा भी हो जाएगा बर्ड्स रखने का, उसकी ब्रीडिंग का। मेन चीज़ है आपको तजर्बा। भाई हमारे पास भी माशाल्लाह से शुरू शुरू में बहुत जो ना मामला आउट हुआ, हमारे 70-70 हज़ार रुपये वाले पीसीज स्पाइल होगा। ये फिशरीज जो मैंने आपको दिखाई है माशाल्लाह से 10-10 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये की एक एक फिशरी है। अभी मैं आपको बाहर जो मैंने अपने दौर पर खरीदी है, अपने टाइम पर खरीदी है, नुकसान तो हम जैसे लोगों का हुआ जिन्होंने माल लगाया महंगा महंगा माल लगाया, मार्केट एकदम क्रेश हो गई। सही है, उन लोगों का नुकसान नहीं है जो अभी उठाएंगे। अभी जो उठाएंगे वो तो माशाल्लाह से कन्फर्म ही कमा लेंगे, क्यों तो सस्ते के टाइम में उठा रहे हैं। मार्केट कितनी क्रेश होगी, अभी भी और क्रेश होगी, मार्केट कोई क्रेश नहीं होगी। भाई आप 1.5 साल रुक जाएं, अभी 1.5 साल क्या 6 महीने रुक जाएं, आप देखिएगा इंशाल्लाह वाला किसानों के भी रेट ऊपर जाएंगे, अल्बिनों के भी रेट ऊपर जाएंगे, टेकिनों के भी रेट ऊपर जाएंगे, हर म्यूटेशन के रेट ऊपर जाएंगे। ये चलता रहता है। 2020 के अंदर जो ना मैंने जब प्रीमियम उठाए थे तो 35-35 हज़ार के हिसाब से उठाए थे, और जब मैंने 21-22 में बेचे तो मैंने 45-45 हज़ार के ही बेचे हैं माशाल्लाह से, 10-10 हज़ार को ऊपर रख के ही बेचे। अब रेट इतने नीचे आ गए तो माशाल्लाह हम क्वान्टिटी में माल बेचते हैं जब ब्रीड आएगी उसमें, तो ये कि माशाल्लाह जब भी कमाया अलग तभी भी कमा रहा है अलहमदिल्ला। मार्केट के अंदर अलहमदिल्ला हर दौर में कमाया बट से कम, ऐसा नहीं है नहीं कमाया, न्यू ट्रेंड चल गई। कॉलोनी दिखा रहे, कॉलोनी आपको दिखा देते हैं इंशाल्लाह ताला, 2-3 मोबाइल जो है ना टॉल चला के दिखा देते हैं कॉलोनी के अंदर इंशाल्लाह ताला, चलते हैं अभी बाहर कॉलोनी। तो भाई कॉलोनी की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी ब्रीड रखी हुई है। सर आ गया, ये भी काफी खूबसूरत कॉलोनी बनाई हुई आपने। हाँ, ये मेरी कॉलोनी के अंदर थे पहले माशाल्लाह से 10-12 पेयर थे कॉलोनी के अंदर ना, तो ये है कि वो मैंने बाहर छोड़ दिया कॉलोनी के अंदर। अभी इसके अंदर मैंने लोटिनो वगैरह डाले हैं, उनके बाहर से मैंने निकाले थे लोटिनो वगैरह ना, तो ये बाहर से मेरे लोटिनो कुछ प्यार दूर से देखो तो अच्छी लग रही है। मैंने वो प्यार वगैरह अभी अंदर ला के डाले हैं लोटिनो के, अभी इंशाल्लाह ताला देखता हूँ, मैंने 1-2 कॉलोनी और बनवानी है जगह पे ना सेटअप पे, तो लोटिनो की फिर अलग ही कॉलोनी बनाऊंगा पूरी ना, बड़ी कॉलोनी है लोटिनो की। लोटिनो की अल्हम्दुलिल्लाह हमने रखे हैं कॉमन लोटिनो, ये बड़ी कॉलोनी है अभी माशाल्लाह से इंशाल्लाह ताला इस साल पट्टे उतरेंगे सारे मेरे जो बर्ड होते हैं वो कॉलोनी के ही होते हैं, जो पट्टा निकलता है माशाल्लाह मैं सारे कॉलोनी में छोड़ देता हूँ, उनकी फ्लाइंग वगैरह ये वो हेल्थ वगैरह साइज अच्छा निकल जाता है कॉलोनी से छोड़ने से, ये फायदा होता है कॉलोनी में बर्ड फ्लाइंग अच्छी करता है तो उसका साइज अच्छा निकलता। अभी तो कॉमन लोटिनो डाले हैं इसमें तकरीबन 7 पीस डालेंगे, अभी मैं 4 पीस और डालने में बाहर वाली कॉलोनी के अंदर है अभी ना टाइम नहीं मिल पा रहा है इंशाल्लाह ताला, तो फिर उसके बाद बाहर से निकाल के डालते हैं। तो व्यूअर्स ये कॉलोनी रखी हुई है भाई, देख सकते हैं वीडियो में, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है इस कॉलोनी में माशाल्लाह से 20-25 पेयर दिख रहे हैं मुझे इसमें, तो काफ़ी अच्छी कॉलोनी बनाई हुई है और बाहर की तरफ रखी हुई है। ये कॉलोनी के अंदर माशाल्लाह से मेरे 20-22 प्यार डले हैं, और ये माशाल्लाह से बहुत आउटस्टैंडिंग कॉलोनी है। बस ये कि मगरिब हो गई, मगरिब के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं तो कॉलोनी में इतना नज़र नहीं आ रहा, वरना कॉलोनी आपको दिखती है तो माशाल्लाह से बाहर से भी अगर हम इस कॉलोनी की वीडियो बनाते हैं बाहर से भी दिखती है आपको नीचे से, और घर के अंदर से ये अच्छी दिखती है माशाल्लाह से। इसमें मैंने टेकिनो वगैरह डाले हैं, फिशरियाँ डाली हैं, जो मैंने फिशरीज महंगे महंगे रेटों पर खरीदी हुई थी वो सब मैंने कॉलोनी के अंदर डाल दी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ख़त्म नहीं करी, क्यों कि ब्रीड लेनी है कॉलोनी के अंदर ब्रीड ले लेंगे। पहले ये था कि इनसे केजेस में ब्रीड लेते देख करके, अब ये कि मैं सब कॉलोनी में डाल दी। इसमें मेरे अल्बिनो भी डले हुए हैं 2-3 पीस, देखिए वो क्रिमिनो भी डले हुए हैं और रेड आई बर्ड भी डले हुए हैं इसके अंदर, सब मिक्स है माशाल्लाह। सही सही अच्छा, इसको पकड़ते किस होंगे पर इसको हम पकड़ते ऐसे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कॉलोनी खोलने का तरीका, आप ये देखें ज़रा। अच्छा पूरे अंदर ही आते हैं, ये हमने खोला ताला, अभी तो सीढ़ियां वगैरह लगी हैं, सीढ़ियां गिर जाएंगी, ये ताला खोला इसका गेट खुल गया। सही, यूं करके हम गेट खोलते हैं और अंदर चले आते हैं। रात में हम यूं नहीं पकड़ते कॉलोनी का बर्ड कि कोई बाहर ना निकल जाए। सही, इसी वजह हम कॉलोनी का बोलते हैं किसी कस्टमर को, कोई कस्टमर को अगर यहाँ से निकाल के देना होता तो हम बोलते हैं मगरिब से चले गए यहाँ 6 बजे तक 7 बजे तक आ जाए। अच्छा, अंदर की साइड खुलता है, अंदर की साइड खुलता है। सही सही, अंदर की साइड खुलता है, अंदर जाके सकून से पकड़ लेता है सबके ये मजबूत है नीचे जो लगा हुआ। हाँ माशाल्लाह, खड़ा हो सकते हैं बंदे। हाँ माशाल्लाह, खड़ा हो सकता है इसके ऊपर। पहले तो मैंने प्लाई लगाई थी, फिर उसके बाद मैंने लोहे की ऊपर चादर भी छाप दी, लाके प्लाई गिर गई थी, मेरे बर्ड भी निकल गए थे कुछ। अच्छा, तो अब ये कि मैंने लोहे की चादर लगाई हुई इसके नीचे माशाल्लाह, इसके ऊपर बैठ सकता है नीचे, मैंने इसको अच्छी सपोर्ट दी हुई, क्या बंदा अंदर खड़े हो सकता है, जब सफाई वफाई करता है वो अंदर ही आगे करता है माशाल्लाह। सही सही, अंदर चलते हैं। देखेंगे कैसा बना हुआ है मछली, अब देखें अंदर का व्यू, देखें अब कैसा आ रहा है।
आप देख रहे हैं महंगाई वगैरह कितनी हो रही है, हर बंदा अपना बिजनेस करे, इंशाल्लाह अपनी सड़कों का काम स्टार्ट करे। मैं हम तो सेटअपों पे जाते हैं ना, न्यू सेटअपों पे जाते हैं, और जो पुराने जिनसे हम ऊपर के मोटेशन खरीदने जाते हैं, लोगों ने समझ लें छोटे छोटे कमरों में लगाए हैं, लाखों रुपए का माल लगाया है। इतना हाँ, जितना हमारा बड़ा ये सेटअप है ना, इतना बड़ा बड़ा इससे छोटी सी जगह पर उन्होंने लाखों रुपए का बट लगाए होते हैं। माशाल्लाह देख के माशाल्लाह खुशी होती है हमारे को कि भाई अच्छी बात है, लोगों ने बहुत ऊपर की मोटेशन लगाई है। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए थे। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 03132533953 ये मेरा नंबर है। लोकेशन है मेरी नाजमाबाद की, कोई भी इंशाल्लाह वाला आपका विवाह जाएगा तो उसको दिखा देंगे, जो चीज़ अवेलेबल होगी वो इंशाल्लाह वाला उसको निकाल के दे देंगे, कोई मसला नहीं है। बाकी अपना सेटअप है इंशाल्लाह वाला, बस सेटअप की सीजन की तैयारी है, दुआ करें आज इंशाल्लाह वाला अच्छी ग्रेड आ जाए, फिर आपके व्यूअर्स को अच्छी ग्रेड के साथ भी वीडियो बनवा लेंगे सेटअप के ऊपर। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह, जब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। बाकी ये सेटअप माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हैं एक ही कमरे में लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है सेटअप। ये अच्छा। कमरा है मेरा तकरीबन 23 फीट की जगह है लंबाई में, अच्छा, और 14 फीट इसकी चौड़ाई है, अच्छा 14 फीट चौड़ाई है और 23 फीट इसकी लंबाई। सही सही, आप वहाँ से खड़े हुए देख सकते हैं, वीडियो बन रही है माशाल्लाह से। वो ये कि लोगों ने जो माशाल्लाह से पहले हम जाते थे कि बीच में भी ड्रोन लगाई हुई, लेकिन हमने खुला खुला रखा हुआ है सेटअप, हमने बोला खुला खुला सही रहता, बर्ड भी आसानी से उसमें आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह, जब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।